करते हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको अपडेट दे दे इस वक्त की बड़ी खबर। गाडरवारा से पूर्व बीजेपी प्रत्याशी ने थामा कांग्रेस का दामन, बीजेपी नेता गौतम पटेल हुए कांग्रेस में शामिल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भोपाल में कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता, इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, बीजेपी में संगठन नाम की चीज नहीं, ये बात गौतम पटेल की तरफ से कही गई, बीजेपी में संगठन नाम की चीज नहीं है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, जहां पर गाडरवारा में, तो देखिए गाडरवारा से पूर्व बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है गौतम पटेल, उन्होंने अब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है, कमलनाथ के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। तो बीजेपी नेता गौतम पटेल अब कांग्रेस में शामिल हो गए, इस वक्त की बड़ी खबर। भोपाल में कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। तो वही ये तस्वीरें जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब उनका काफिला आगे बढ़ रहा था, एक बड़े काफिले के साथ वो कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे। तो देखिए बीजेपी में संगठन नाम की चीज नहीं है, इस तरह का आरोप गौतम पटेल की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया, निशाना साधा गया गौतम पटेल की तरफ से बीजेपी पर। लेकिन फिलहाल देखिए ये बड़ी खबर है, गाडरवारा से पूर्व बीजेपी प्रत्याशी अब कांग्रेस के हो चुके हैं, तो बीजेपी नेता गौतम पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, कमल का साथ छोड़ दिया है। भोपाल में कमलनाथ ने उन्हें बीजेपी की वहां पर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है, इस तरह की बड़ी जानकारी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव देखिए एक बड़े काफिले के साथ गौतम पटेल वहां पर पहुंचे भोपाल, और अब आखिरकार उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, कमल का साथ छूट गया है उनका। बिल्कुल एक बड़ा झटका भी कह सकते हैं इसे हम बीजेपी के लिए, क्योंकि 2018 के चुनाव में गौतम पटेल गाडरवारा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे, इसके साथ ही उन्होंने एक मामा पार्क भी बनाया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधरोपण को लेकर संकल्पित है, उसी का एक पार्क बनाया गया है। तो आज जब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है कमलनाथ की मौजूदगी में, इंडिया न्यूज ने उनसे सवाल भी किया कि आखिरकार आप बीजेपी से इतने सालों तक जुड़ रहे हैं, आपने मामा पार्क ही बनाया, तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ गई कि आपको चुनाव के वक्त कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। तो उन्होंने यही कहा कि मैं बीजेपी का एक अनुशासित कार्यकर्ता रहा हूँ, मैंने पार्टी को गाड़रवाड़ा क्षेत्र में मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, पार्टी के नेताओं ने ही मुझे आश्वासन दिया था, सर्वे में भी मेरा नाम था, लेकिन उसके बाद भी मेरा टिकट वहां से काट दिया गया। तो मैंने जो मेहनत की है, मेरे जो समर्थकों ने मेरे से कहा कि अब आपको इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्टी विचारधारा वाली बात करती है, इस विचारधारा पे खुद भी नहीं चल रही है, यहाँ पर नेता कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहा है, इसलिए मैंने इस पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। इंडिया न्यूज ने जब उनसे सवाल किया कि अगर आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता फिर आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि अब मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी उसके लिए मैं काम करूंगा। वैभव हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, गाडरवारा की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, क्या कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है गाडरवारा सीट पर? इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या देखिए सीट पर सहमति बन गई है क्या गौतम पटेल की, इस तरह का कोई सवाल आपने उनसे किया जिसकी वजह से वो अब बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है उन्होंने? ये सवाल केवल गौतम पटेल से नहीं, ये सवाल पीसीसी के कमलनाथ से भी किया गया था कि गाडरवारा क्षेत्र के साथ ही कई और भी जो नेता हैं वो आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, कमलनाथ आपकी ही मौजूदगी में वो दामन थामेंगे, तो क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा? तब कमलनाथ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि संगठन जिसके टिकट पर सहमत होगा, हमारे कार्यकर्ता जिसके टिकट पर सहमत होंगे, केवल उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो हमारी विचारधारा से प्रेरित है, वो हमारी पार्टी में आ सकता है, लेकिन टिकट उसे मिलेगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक संगठन मुझे अनुमति ना दे। इसके साथ ही कमलनाथ एक बात और स्पष्ट कर दी है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में कांग्रेस के बचे हुए प्रत्याशी उनके नामों का भी ऐलान कर देगी, मतलब स्पष्ट है कि नवरात्र में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही कल कांग्रेस अपने वचन पत्र को भी सार्वजनिक करने जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए अब लगातार नामों का ऐलान, पहली लिस्ट हो सामने आ चुकी है कांग्रेस की तरफ से, 144 नाम उसमें शामिल किए गए हैं। उससे पहले हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, उस काफिले की तस्वीरें जब भोपाल के लिए रवाना हुए थे गौतम पटेल, और आखिरकार कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। वैभव हम अब जरा गाडरवारा सीट को समझने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान अब बीजेपी को उठाना पड़ेगा जब गौतम पटेल शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में। अब बिल्कुल महाकौशल में गाडरवारा की सीट आती है, महाकौशल की 38 सीटें हैं,
जिसमें से 2018 के चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस ने 24 सीटें जीती थी, बीजेपी के पास जो सीटों की संख्या थी वो काफी कम थी। तो बीजेपी वहां पर अपना जनाधार भी बढ़ाना चाहती है, वहां से 2018 में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी करना चाहती थी। लेकिन अगर इसी तरह से बीजेपी के जो नेता हैं, जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और संगठन के लिए लगातार काम करते रहे, जैसे अगर कार्यकर्ता ही पार्टी के साथ छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ज्यादा दिक्कतें हैं। और बीजेपी चाहती है कि 2018 का परिणाम वहां पर ना भुगतना पड़े, इसलिए बीजेपी ने कई तरह के सर्वे भी कराए थे, केनी नितक ने भी सर्वे कराया था, उसके बाद टिकटों को वितरण किया गया। लेकिन जब से टिकटों को वितरण बीजेपी ने किया है तब से ही बीजेपी में ही बगावत देखने को मिली, हालांकि कांग्रेस में भी बिल्कुल बगावत देखने को मिली। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और ये चुनावी समय है और चुनावी साल में इससे की प्रक्रियाएं होती रहती है। लेकिन अब महाकौशल प्रांत में बीजेपी गौतम पटेल का विकल्प किस तरह से खोजती है, ये अपने आप में एक बेहद बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल होगा। और इसके साथ वैभव, देखिए क्योंकि आपने बगावत का जिक्र किया तो बगावत कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में भी सामने निकल कर आ रही है, खासकर जब बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट बुधनी से, जिसमें कांग्रेस की तरफ से विक्रम को उम्मीदवार बनाया गया। बहुत शुक्रिया आपका वैभव तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए बीजेपी नेता गौतम पटेल अब शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में। भोपाल में कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। तो वहीं सदस्यता लेने के बाद गौतम पटेल की तरफ से कहा गया कि बीजेपी में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, इस तरह का वहां पर निशाना साधा गया बीजेपी पर गौतम पटेल की तरफ से। तो देखिए बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता दिलाई, गौतम पटेल अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो भाई देखिए मेरे सहयोगी वैभव ने गौतम पटेल से बातचीत की है, क्या कहना उनका सुनिए। गाडरवारा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी ने कांग्रेस का दामन थामा है कमलनाथ की मौजूदगी में। गौतम पटेल साहब क्या कहेंगे आज से आप कांग्रेस में शामिल हुए? आज हम सभी लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कार्यकर्ताओं की पार्टी का ढिंढोरा जो पीटती थी कार्यकर्ता का, अब भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं है। उसका ही कारण है कि हजारों की संख्या में गाडरवारा विधानसभा से आज कार्यकर्ता आए हुए हैं और हम सब उनकी आवाज बनकर आए। आपने मामा पार्क भी बनाया था, अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया है और इससे पहले भी आप रहे हैं, तो क्या वो कारण रहे और अब किस तरह से आप काम करेंगे? अभी भी पार्क बनेगा और जरूर बनाएंगे। अब किस तरह से क्या विरोध दिखाएंगे, मतलब जो काम किस तरह से रहेगा वहाँ? शहर के लिए गाडरवारा विधानसभा के लिए जो भी कार्य करे बनेगा उसके लिए पूर्व की भांति अभी भी कार्य करते रहेंगे। कांग्रेस अगर टिकट नहीं देती है तो उसके बाद क्या तस्वीर है? कांग्रेस के लिए काम करेंगे। ये तो थे हमारे साथ पूर्व बीजेपी के प्रत्याशी गौतम पटेल। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी के मैं अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था लेकिन पार्टी ने मेरी बात को नहीं सुना, लेकिन अब मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस के लिए ही काम करूँगा। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, इंडिया न्यूज़ भोपाल।